खबरों की अगर माने तो एक आ रहा है कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलेगी। जो टीम यूएसए और वेस्ट इंडीज में जाकर वर्ल्ड कप के लिए लड़ती भिड़ती हुई नजर आएगी। 4 जून से 31 जून के बीच ये जो वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा, टूर्नामेंट खेला जाएगा। और रीजन ये दिया जा रहा है विराट कोहली को सिलेक्ट ना करने के पीछे कि उनका T20 फॉर्मेट में जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है, यही जो है वो जानने वाले हैं। सबसे ज्यादा जोर देने की जो बात है वो ये है कि 2013 से लेकर अब तक आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथ में नहीं आई है। बात यहाँ पे अगर विराट कोहली की जाए तो T20 का डेब्यू जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने किया था 2010 में। इसी के चलते हम एक बार जो है विराट कोहली के T20 स्टैट्स पे भी नजर डालने थे। मैचेस जो है 117 उन्होंने खेले हैं, इनिंग्स 109 है, रन जो है वो है 4037, स्ट्राइक रेट है 138.16 और बेस्ट रहा है 123। बिल्कुल, अगर विराट कोहली की बात करी जाए तो साल 2011 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था ये उस टीम का हिस्सा रहे थे। और जहां तक रोहित शर्मा की बात है वो 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप जीती थी टीम इंडिया उसका हिस्सा रहे, उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पे अगर हम 2008 से जो है RCB के साथ वो खेलते हुए आ रहे हैं, हालांकि जो है उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है RCB के साथ, लेकिन RCB अब तक जो है एक भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हाईएस्ट रन स्कोरर भी रह चुके हैं विराट कोहली, उसके बावजूद ऑरेंज कैप मिलने के बावजूद भी जो है टीम कोई खास कमाल उनके रहने की वजह से भी नहीं कर पाई। बिल्कुल, अब कप्तानी की जहाँ तक बात है तो विराट कोहली उसमें भले ही सक्सेसफुल ना रहे हो, लेकिन अगर खिलाड़ी की बात करी जाए तो इसमें उनका प्रदर्शन जो है वो कमाल कर रहा है। और जहाँ तक बोर्ड की बात है तो क्या खबरें आ रही हैं उर्विका कि वाकई में विराट कोहली का सिलेक्शन नहीं होगा या फिर कुछ बातचीत जो है वो पर्दे के पीछे हो चुकी है। BCCI ने पूरा का पूरा डिसीजन विराट कोहली को लेके कि उनको खिलाना चाहिए टीम में या नहीं खिलाना चाहिए, और इस बात पे भी जोर दिया है कि अगर आप चाहें तो आप यंगस्टर्स को भी चांस दे सकते हैं। ये पूरे डिसीजन मेकिंग का जो मुद्दा है वो दे दिया है अजीत अगरकर, यानी कि सिलेक्टर्स के हाथ में, कि अगर वो चाहें वैसा वो अपनी टीम के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक अजीत अगरकर की बात है तो रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन्होंने जो है वो विराट कोहली से बात की और कहा है कि यंगस्टर्स के लिए जो है आप थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए। अब यंगस्टर कौन कौन से हैं उनकी भी बात करेंगे, उनकी भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल उर्विका यही हो जाता है कि क्या विराट कोहली अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा, जीतेगा और अच्छी परफॉर्मेंस हमें जो है वो नजर आएगी। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि विराट कोहली जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है हमारी टीम में। अगर वो ही टीम में नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि टीम कोई खास कमाल कर पाएगी। यहाँ पे अगर प्लेयर्स की बात करें जिनके नाम पे जोर दिया जा रहा है कि इनको चांस दिया जाए, तो सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, शिवम दुबे जैसे जो प्लेयर्स हैं इनका नाम लिया जा रहा है कि आप इनको आगे बढ़ाइए। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऐसा करना था तो आपको शुरू से ही ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए थी। अब वर्ल्ड कप इतने पास आ रहा और अब आप ऐसे जो है ऐसी स्ट्रेटेजी सामने लेके आ रहे हैं कि चलिए अब इनको चांस दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जायज बात है। और एक बार हम नजर डाल लेते हैं इनकी स्टैट्स पे। बिल्कुल, अगर रिंकू सिंह की बात करी जाए तो उनके आंकड़े काफी ज्यादा शानदार हैं। IPL की अगर बात करी जाए 31 मैच 725 रन, स्ट्राइक रेट 142 का। और इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करी जाए T20 में तो 15 मैच खेले हैं लेकिन यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 176 का है। और उर्विका हम देख चुके हैं कि जिस तरीके से वो लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं और गेम को फिनिश करने की पावर रखते हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि रिंकू सिंह को जो है धर्मशाला में बुलाया गया था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो फोटोशूट चल रहा था T20 वर्ल्ड कप का उसमें उनकी फोटो शामिल होनी थी, जिसकी वजह से उन्हें धर्मशाला बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये इस बात पे मोहर लगा देता है कि रिंकू सिंह ने जो है जगह बना ली है अपनी टीम इंडिया वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, और बाकी खिलाड़ियों की अगर बात करी जाए तो शिवम दुबे के आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रणजी में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा शानदार रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो उनका खेल है वो बहुत ज्यादा निखरता हुआ हमें नजर आया है। पर यहाँ पर विराट कोहली के लिए यही अंत नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर उनका प्रदर्शन, उनकी टीम का प्रदर्शन RCB में बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर एक सक्सेसफुल टीम इस बार शामिल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का इसका इम्पैक्ट जो है उनकी T20 पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, विराट कोहली की बात करेंगे जरूर, लेकिन उसमें उससे पहले यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं जिन्होंने हाल ही में विराट कोहली का मोस्ट वर्सेस इंग्लैंड अगर एक सीरीज की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा रन 655 विराट कोहली के थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ये रिकॉर्ड तोड़ा था। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर कोई विराट कोहली को चैलेंज दे रहा है तो वो ही यशस्वी जायसवाल, लेफ्टी हैं और एग्रेशन जो है वो फूट फूट कर भरा है उनके। अब वापस अगर हम बात विराट कोहली की यहाँ पे करते हैं तो कहा जा रहा है अभी हाल ही में ये खबरें भी आ रही थी कि जो उन्होंने जो है RCB का कैंप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो RCB के साथ खेलने वाले हैं या नहीं, ऐसे भी खबरें आ रही थी कि पता नहीं उनका अभी वो खेलने वाले भी हैं या नहीं। स्टुअर्ट ब्रॉड की यहाँ पे बात कर लेते हैं, विराट कोहली T20 में नहीं खेलेंगे इसको लेके जो है वो मान ही नहीं रहे। उनका मानना है कि गली क्रिकेट जो होता है विराट कोहली के बिना टीम ऐसी दिखेगी।
बिल्कुल। और अगर बात करी जाए पाकिस्तानी पेसर की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि विराट कोहली जिन्होंने आर एस राउफ को लेकर जिस तरीके से दौड़ा था ना पिछली T20 वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान भी यही मानता है कि विराट कोहली अगर नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और जहां तक अनिल कुंबले की बात है, तो उर्विका उनका स्टेटमेंट भी जो है वो इसी तरीके का सामने आया। उनका कहना है विराट कोहली's aggression gives his team required intensity। तो बस विराट कोहली अगर नहीं होंगे तो एग्रेशन टीम इंडिया में नजर नहीं आएगा, जहां तक एक्सपीरियंस की बात है वो भी नजर नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की खबरें हम फिलहाल देख रहे हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है, ये रूमर है। और जब अनाउंसमेंट होगा T20 वर्ल्ड कप का, तो उसमें विराट कोहली जरूर नजर आएंगे।